नमस्कार, स्वागत है आप सभी के चैनल कोचिंग क्लासेस बहराइच में। तो आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पर से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो पूरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। इंसॉल्वेंसी अकाउंट यानी ये दिवाला संबंधी लेखे। अगर इससे रिलेटेड हम इस पर कुछ थ्योरी भी बात करेंगे, थ्योरी के बाद इस पर ऑप्शनल क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे कि ऑप्शनल क्वेश्चन कौन कौन से किस टाइप के बनेंगे। बस बाकी ये न्यूमेरिकल पार्ट होता है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आएगी कि इंसॉल्वेंट होता कौन है, यानी दिवालिया कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य भाषा में अगर देखें तो दिवालिया वो व्यक्ति होता है जो एक प्रकार से अपने ऋणों का भुगतान कर पाने में सक्षम ना हो, यानी अपने ऋण और कम से कम उसके पास जो है 500 का ऋण हो और अपने वो ऋण दे पाने में जो उसका पुनर्भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं है, तो वह व्यक्ति दिवालिया कहलाएगा, ये माना जाता है। तो दिवालिया देखे सामान्य बोलचाल की भाषा में, दिवालिया एक ऐसे व्यक्ति को होता है जो अपने पूर्ण दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ हो, वह व्यक्ति होगा दिवालिया। अब दिवालिया ऐसे कोई हो नहीं सकता, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है, वहाँ उसे याचिका दायर करनी पड़ती है और न्यायालय द्वारा उसे प्रमाण पत्र दिया जाता है कि यह व्यक्ति दिवालिया। और जब वह व्यक्ति दिवालिया अपने आप को घोषित करा लेता है तो वह अपने दायित्वों से पूर्ण रूप से छुटकारा पा जाता है और सारे दायित्व उसके न्यायालय पर हस्तांतरित हो जाते हैं और सारी संपत्तियाँ भी उसकी जो है न्यायालय के पास हस्तांतरित हो जाती हैं। न्यायालय उन्हीं संपत्तियों का विक्रय करके अपना निस्तारक नियुक्त कर देता है और निस्तारक उन संपत्तियों का विक्रय करके उन दायित्वों का भुगतान कर देता है। जिस हिसाब से आनुपातिक भुगतान हो पाता है उस हिसाब से न्यायालय करता है, लेकिन वह व्यक्ति जो दिवालिया घोषित हो जाता है वो अपने दायित्वों से वहीं से समय मुक्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या है, शर्त है कि ऋणी अनुबंध करने में सक्षम है और दूसरा कि वह कम से कम 500 के लिए ऋणी है और देय राशि का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ है। अगर ये सर तो अब ये तो हो गया दिवालिया। अब दिवालिया से रिलेटेड जो पहली बात तो हमसे पूछा जाएगा कि दिवालिया कौन होता है, तो दिवालिया वो होता है जो अपने दायित्वों का भुगतान करवाने में असमर्थ होता है। न्यूनतम ऋण कितना होना चाहिए, 500। अब अगला है दिवालिया जब हो गया भारत में इसका ये नियम, तो भारत में अगर भारत में व्यक्ति हिंदू अविवाहित परिवार फर्द व्यक्तियों के अन्य समुदायों के लिए दिवाली के संबंध में दो अधिनियम बनाए गए हैं। कितने अधिनियम हैं, दो। तो इन दोनों में पहला जो अधिनियम है वो 1909 है, क्या, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। यह अधिनियम केवल मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में लागू होता है। तीन शहर प्रेसिडेंसी टाउन्स पहले कहलाते थे क्योंकि अंग्रेज यहीं से बैठ के अपना शासन करते थे, तो उन्होंने इन शहरों पर अलग से नियम बना रखा था। तो ये प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 था और इसके बाद मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होने के लिए 1920 प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 आया। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा कि प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 जो कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में लागू होता है और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 जो कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। इसका अमेंडमेंट किया गया था 1 सितंबर 1978 से जो कि लागू हुआ, लिखा है इंसॉल्वेंसी लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो कि 1 सितंबर 1978 से लागू हुआ। इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि 1909 प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 अमेंडमेंट कब लागू हुआ, 1 सितंबर 1978, ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए आगे, तो ये भारत की स्थिति हो गई। अब इसके बाद देखिए इसमें होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसके इंसॉल्वेंट होगा तो उसके लिए उसे याचिका दायर करनी पड़ती है। ऐसे होगा नहीं, वो याचिका दायर करेगा तो याचिका के साथ उसे कुछ प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते हैं, यानी कुछ अकाउंट्स वहाँ पे उसे बना के देने पड़ते हैं और वो अकाउंट के बेस पे न्यायालय उस पर स्टडी करेगा और उसके बारे में बताएगा कि ये इंसॉल्वेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए वो दो प्रमाण जो तैयार करता है उनमें पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा होता है डिफिशेंसी अकाउंट्स। पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा जो है डिफिशेंसी अकाउंट। तो जो पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा इसमें वो बताता है कि उसके दायित्व कितने हैं और उसकी संपत्तियां कितनी हैं और उसकी दायित्व संपत्तियों से कितना कम है। और इसके बाद डिफिशेंसी अकाउंट में ये दिखाया जाएगा कि आखिर उसकी कमी जो आई वो क्यों आई। तो इसलिए अब वो व्यक्ति क्या करता है, जो इंसॉल्वेंट जिसको घोषित कराना होता है उसकी जिम्मेदारी होती है
तो वो इस हिसाब से अपना एक स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करता है, तो उसमें पूरी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की कुल लिस्ट तैयार कर लेता है, जो कि टोटल लिस्ट जो है वो 8 हैं। टोटल लिस्ट यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ABCDEFGH 8 लिस्ट हैं, और इन 8ों लिस्ट को कैटेगराइज किया गया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। तो लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, इस एज पर लिस्ट ए, तो इसमें वो क्रेडिटर्स लिखे जाते हैं जो कहते हैं ना अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब जिन्होंने लोन दे दिया लेकिन उनके पास कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी उनके पास नहीं है, वो लिस्ट ए में लिखे जाते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। और इसके बाद बी लिस्ट बी, जो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, इसमें क्या होता है, इसमें वो लोग लिखे जाते हैं जिनका जो है लोन कम होता है और सिक्योरिटी का अमाउंट ज्यादा होता है, जैसे किसी ने 10,000 रुपए का लोन दे रखा है और 20,000 रुपए की सिक्योरिटी ले रखी है, बट एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, हालांकि बुक वैल्यू से मतलब नहीं यहाँ पे, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो वो लोग यहाँ लिस्ट बी में आते हैं, कौन, जो फुली सिक्योर्ड होते हैं, मतलब लोन का अमाउंट कम है। ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, जो लोन का अमाउंट कम है और सिक्योरिटी का अमाउंट ज्यादा है, ऐसा एग्जाम्पल तौर पे भी दे सकते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी में जाएगा। इसके बाद फिर अगला पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, ये होशियार टाइप के तो होते हैं लेकिन ये थोड़ा कम होते हैं, इनके पास सिक्योरिटी तो होती है लेकिन ये क्या होता है कि सिक्योरिटी का अमाउंट कम होता है, ये सिक्योरिटी का अमाउंट कम होता है, लोन का अमाउंट ज़्यादा होता है और सिक्योरिटी का अमाउंट कम होता है, वो लिस्ट सी में आते हैं। अब तीसरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, इसमें वो क्रेडिटर्स आते हैं जिनके पास सिक्योरिटी तो कुछ नहीं होती है लेकिन इनको एक एक्ट के तहत प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है कि वो अगर किसी इंसॉल्वेंट की एसेट जब भी सेल की जाएगी तो सबसे पहले इन्हीं को पेमेंट किया जाएगा, किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी को, सबसे पहले इनको दिया जाएगा, इसके बाद जो बचेगा वो किसी को दिया जाएगा। तो अब इस तरीके से देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो ये जैसे गवर्नमेंट ड्यूज होते हैं, टैक्स वगैरह, उसके बाद आपका बेजेज है, सैलरी है और रेंट है, तो इस पे अलग अलग नियम लागू होते हैं, तो इसे गवर्नमेंट ड्यूज की कोई लिमिट नहीं है, पूरी तरीके से वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में टोटल अमाउंट चला जाएगा, उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 1909 यानी प्रेसिडेंसी टाउंस इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो नियम वही है, कोई एक ही जैसा है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कोई है नहीं, टोटल अमाउंट जो है वो प्रेफरेंशियल हो जाएगा। लेकिन दूसरा है कि अगर हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो 1909 के अकॉर्डिंग एक क्लर्क की मैक्सिमम 300 रुपये की सैलरी जो है, 300 पिछले 4 महीने की मैक्सिमम 300 की सैलरी प्रेफरेंशियल होती है, बाकी नॉन प्रेफरेंशियल होती है। 1920 प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 के अकॉर्डिंग एक क्लर्क की मैक्सिमम सैलरी 20 रुपये प्रेफरेंशियल होती है, बाकी टोटल की नॉन प्रेफरेंशियल होती है, यानी प्रेफरेंशियल नॉन प्रेफरेंशियल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो और बेजेज में तो जो प्रेसिडेंसी टाउंस इंसॉल्वेंसी एक्ट है उसमें बेजेस 100 रुपये जो होती है वो प्रेफरेंशियल होती है, बाकी नॉन प्रेफरेंशियल होती है, और 1920 यानी प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 के अकॉर्डिंग जो होगी वो 20 रुपये प्रेफरेंशियल होगी, बाकी नॉन प्रेफरेंशियल होगी। रेंट प्रेसिडेंसी टाउंस इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग 1 महीने का प्रेफरेंशियल होता है, बाकी नॉन प्रेफरेंशियल होता है। तो इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं और जो प्रेफरेंशियल होता है उसको ला के लिस्ट डी में रखते हैं, और जो नॉन प्रेफरेंशियल होता है वो जो नॉन प्रेफरेंशियल होगा वो लिस्ट ए में ला के लिख दिया जाएगा। ठीक, तो ये लिस्ट डी में कौन आएंगे, जिनको प्रेफरेंशियल राइट दिया होता है। इस हिसाब से लाइबिलिटी साइड में 4 लिस्ट हो गई, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। सिर्फ हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये लिस्ट पूछी जा सकती है। इसके बाद में आता है प्रॉपर्टी साइड, तो प्रॉपर्टी साइड में या एसेट साइड में इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो बनाते हैं ये प्रॉपर्टी में लिखते हैं जो मॉर्टगेज नहीं होती हैं एसेट्स, उनको हम लिस्ट ई में लिखते हैं, जैसे कैश एट बैंक जो भी एसेट्स है अगर वो मॉर्टगेज नहीं है तो वो लिस्ट ई में लिखी जाएगी। लिस्ट ई में सारी एसेट लिखी जाती है जो मॉर्टगेज नहीं होती है। बुक डेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे लिस्ट एफ में लिखे जाते हैं, और विल ऑफ एक्सचेंज जो आपके फेवर में होते हैं वो लिस्ट जी में लिखे जाते हैं, और इसके बाद दोनों साइड का ये बैलेंस मिलाया जाता है, जो कमी आती है वो डिफिशेंसी एज पर लिस्ट एच में लिखी जाती है। यानी एसेट साइड में कितनी लिस्ट हो गई, 4, लाइबिलिटी साइड में कितनी हो गई,
लाइबिलिटी साइड में भी लिस्ट हो गई चार। हमसे सिर्फ लिस्ट पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि देख लिए, पूरे फॉर्मेट को देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरे फॉर्मेट को देख लीजिएगा क्योंकि आपसे फॉर्मेट ही पूछा जाएगा, लिस्ट ए में क्या जाएगा, लिस्ट बी में, लिस्ट सी में, लिस्ट डी में, और इसके बाद प्रॉपर्टी में कौन कौन सी लिस्ट आती हैं इनसे रिलेटेड। देखो जब हम लोग पूरी डिटेल पढ़ाएंगे वहाँ पर, जब न्यूमेरिकल पढ़ाना होता है तो इसी चीज़ को डिटेल बताना है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शनल बन रहा है सिर्फ हम उस पर बात कर रहे हैं। तो ऑप्शनल सिर्फ आपसे लिस्ट पूछी जाएंगी बी एड एंट्रेंस में और एम कॉम एंट्रेंस जो भी है उसमें अगर आप देंगे। तो अब अगला इसके बाद डिफिशेंसी बनाते हैं। डिफिशेंसी में ये दिखाना चाहता है कि हमारी आखिर एसेट्स कम क्यों हो गए, क्योंकि अकाउंटिंग के क्वेश्चन काम करता है, और अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या कहता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है फिर वो कम क्यों हो गए, तो हो सकता है कोई चेंज ऐसा आ गया हो जो उसमें कमी आ गई हो। तो ये इसमें डिफिशेंसी में दिखाया जाता है, ये दो साइड होते हैं यहाँ पे, दो साइड, एक है आइटम रिड्यूसिंग डिफिशेंसी और आइटम क्रिएटिंग डिफिशेंसी। जिनसे आपकी डिफिशेंसी कम पड़ती है वो इधर लिखे जाते हैं और जिनसे ज़्यादा होती है वो इस साइड में लिखे जाते हैं। इनमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ओवर कैपिटल ये इसमें आता है, इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस इधर ही आता है, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट इधर आता है, नेट कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा, प्रॉफिट इधर आएगा। इसका जस्ट अपोजिट जो है वो इधर आता है, अगर कोई लॉस हुआ या लायबिलिटी ज़्यादा है वो इधर आएगा, ड्राइंग इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर जाएगा, और ये सारी चीज़ें इधर आइटम क्रिएटिंग डिफिशेंसी। इनसे क्या होता है कि हमारी डिफिशेंसी बढ़ती है, और इनसे इधर वो आइटम लिखे जाते हैं इस साइड में जिनसे हमारी डिफिशेंसी कम पड़ती है। ये फॉर्मेट है, इसकी जरूरत अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल क्या होती है तो कैपिटल के साइड में लिखा जाएगा, तो कैपिटल जो है आइटम रिड्यूसिंग डिफिशेंसी साइड में लिखा जाता है। कैपिटल किधर लिखा जाएगा, आइटम रिड्यूसिंग डिफिशेंसी साइड में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आइटम रिड्यूसिंग डिफिशेंसी साइड में ही लिखा जाएगा, और जबकि लॉस आइटम क्रिएटिंग डिफिशेंसी साइड में लिखा जाएगा, ड्रॉइंग आइटम क्रिएटिंग डिफिशेंसी साइड में लिखा जाएगा। इस तरीके से हम इसको तैयार करते हैं। और लिस्ट एच जो है, जो उधर वहाँ पे बना रहे थे हम, अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो लिस्ट एच डिफिशेंसी एच पर लिस्ट एच दिखाई गई थी, वो आइटम लाके यहाँ पे ये क्रिएटिंग साइड में लाके जो यार इधर लिख दिया जाता है जो है रिड्यूसिंग साइड में, और उसके बाद जब हम टोटल इसका करते हैं तो ये टोटल हमेशा बराबर आता है, डिफिशेंसी का टोटल बराबर आता है डिफिशेंसी एच पर लिस्ट एच का जो ये डिटेल है एक तरीके से डिफिशेंसी अकाउंट, तो ये हमेशा दोनों तरफ बराबर आएगा, ये नियम है इसका, ठीक, दोनों तरफ का बैलेंस बराबर आएगा। इस तरीके से ये दो फॉर्मेट होते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, इसमें आठ लिस्ट होती हैं और इसके बाद डिफिशेंसी एच पर लिस्ट एच जो कि इसमें आइटम दिखाने होते हैं। अब देखिए अगर इस पर क्वेश्चन की हम बात करें, थोड़ा कुछ जैसे क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे बस, क्योंकि इस ज़्यादा इंपॉर्टेंस बीएड एंट्रेंस में इसकी नहीं है, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो जो मैंने अभी आपको एक्ट बताया था, एक्ट से रिलेटेड इंडिया में, और उसके बाद कुछ लिस्ट का है, दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते। जैसे यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति के स्थित ब्यूरो में आरक्षित लेनदारों को निम्नलिखित में से किस सूची में लिखा जाएगा, यानी सिक्योर्ड को जो फुली सिक्योर्ड हमारे हैं उनको कहाँ लिखा जाएगा, वो किस लिस्ट में दिखाएंगे, तो जो अनसिक्योर्ड होते हैं वो लिस्ट ए में लिखे जाते हैं, बाकी जो फुली सिक्योर्ड होते हैं वो लिस्ट बी में, ठीक है, लिस्ट बी में यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। अब अगला दिवालिया की स्थिति में पूर्ण रक्षित, पूर्ण रक्षित लिस्ट बी में, सारी ऊपर आरक्षित ये यहाँ पे शायद ये मिसप्रिंट है, अनारक्षित होगा यहाँ पे, अनारक्षित लिस्ट ए में लिखे जाएंगे, यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है लिस्ट ए में लिखे जाएंगे। दूसरे में क्या पूछ रहा है कि फुली सिक्योर्ड कहाँ लिखे जाएंगे, तो जो फुली सिक्योर्ड होंगे वो लिस्ट बी में लिखे जाएंगे, और पार्टली सिक्योर्ड तीसरा क्वेश्चन हमारा कि पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहाँ लिखे जाएंगे, तो लिस्ट सी में, जैसे मैंने आपसे बताया कि लोन का अमाउंट ज़्यादा है, सिक्योरिटी का अमाउंट कम है, लिस्ट सी में लिखे जाएंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ये कहाँ लिखे जाएंगे, तो जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो लिस्ट डी में लिखे जाएंगे, कहाँ लिखे जाएंगे, प्रेफरेंशियल लिस्ट डी में लिखे जाएंगे। देखिए चार क्वेश्चन है सीधे सीधे, यानी फुली सिक्योर्ड लिस्ट ए में, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बी में, और इसके बाद अनसिक्योर्ड लिस्ट ए, फुली सिक्योर्ड लिस्ट बी एंड पार्टली सिक्योर्ड लिस्ट सी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट डी। इस तरीके से आप हमारे क्वेश्चन बने। अब अगला क्या है, दिवालिया की स्थिति विवरण में पूर्वाधिकार लेनदारों को निम्न में से किस सूची में दिखाया जाता है, प्रेफरेंशियल तो लिस्ट डी हो गया। अब अगला क्या है कि गैर बंधक या गिरवी रखी संपत्ति को निम्न से किस सूची में दर्शाया जाता है। गैर बंधक यानी जो मॉर्टगेज नहीं है वो एसेट्स कहाँ लिखी जाती है, तो जो मॉर्टगेज नहीं है वो लिस्ट
ई में लिखी जाती है, यानी जो मार्टिकेज होती है तो वहाँ पे जाके रिकॉर्ड हो जाती है, जैसे फुली सिक्योर्ड में जाएगी या बी में, वो एज अ सिक्योरिटी वहाँ इस्तेमाल होती है, लेकिन जो अनमार्टिकेज होती है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो वो लिस्ट ई में लिखी जाती है, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। अब अगला है पुस्तकीय ऋण या लेनदारों देनदारों को निम्न से किस सूची में दर्शाया जाता है, पुस्तकीय ऋण यानी बुक डेब्ट्स एज पर लिस्ट एफ, बुक डेब्ट्स एज पर लिस्ट एफ, उसमें लिस्ट एफ में दिखाया जाता है, सब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड हैं। अगला स्थित विवरण की सूची एफ निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये एफ है वो इसमें जो है आंशिक रक्षित लेनदार, विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र, पूर्वाधिकारी लेनदार, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए एक सेकंड, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये जी होगा, यहाँ पे जी किससे संबंधित है, तो जी जो है विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र से संबंधित है, ये हो जाएगा अगला। ये अगला जो है इस तरीके से, या फिर इसी को अगर करेक्ट माने, जैसे जिस जिस में मैंने क्वेश्चन लिखे थे टाइप करवाए उस तरीके से ये इसका हो जाएगा, लेकिन अगर इसी पे बात करें तो ये इनमें से किसी संबंधित नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो एफ है वो बुक डेफ से रिलेटेड, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था। और अगला है स्थित विवरण में कमी को निम्न में से किस सूची में दर्शाया जाता है, कमी कमी को कहाँ जो है दर्शाया जाता है, तो कमी जो होती है हमारी वो डिफिशेंसी एज पर लिस्ट एच, डिफिशेंसी एज पर लिस्ट एच, याद रखिएगा डिफिशेंसी एज पर लिस्ट जो हमारी कमी है वो लिस्ट एच में दिखाई जाती है। प्रांतीय दिवाला अधिनियम निम्न में से किस सन में लागू हुआ, प्रांतीय दिवाला प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, तो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो था वो 1920 जो 1920 में लागू हुआ था, किस डेट को 1920, और प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट जो था वो 1909 1909 को लागू हुआ था, ठीक है 1909 प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी 1920 एंड प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, ये दोनों एक्ट की भी बात थी। फिर प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम 1909 में से किन शहरों में लागू होता है, तो किन से, मुंबई चेन्नई और कोलकाता, मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो हमारा था प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, उसमें तीन ही जो है प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता, इनको याद रखिएगा। प्रांतीय दिवाला अधिनियम, प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 निम्न में से किस शहर में लागू होता है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी तो मुंबई चेन्नई कोलकाता में 1909 लागू होता है, तो जो प्रोविंशियल होगा वो दिल्ली में लागू होगा, ये गलती मत कर दीजिएगा, दिल्ली उस समय प्रेसिडेंसी नहीं हुआ करता था, तो इसलिए वहाँ वो जो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है वो दिल्ली में लागू होता था। अब इस तरीके से ये बन गया आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थे। अब ये देखिए आप क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा था आपको, अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आने होंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हमने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जब डिटेल पढ़ाया जाएगा तो हम लोग वहां पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बीएड और एमकॉम एंट्रेंस के मोड से मैं बता रहा हूं आपको, तो ये वही क्वेश्चन मैंने उठाए जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को भी शेयर करिए। धन्यवाद।